देखो बच्चों, वीडियो स्टॉप हो गया था तो इसलिए फिर से शुरू करना पड़ रहा है। मतलब तो स्टार्टिंग से नहीं, जैसे मतलब क्या ये स्टॉप हुआ है वहीं से। देखो वो जो आपका था इंटर इनर मेम्ब्रेन, वीडियो में देखा था कट गया था, तो जो आपका इनर मेम्ब्रेन जो था, दिस इज कंटिन्यूस विद योर सम प्रोटीन स्ट्रैंड्स एंड दिस प्रोटीन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड योर लामिन्स। उसको लामिन भी बोल सकते हो, लामिन, ठीक है। और न्यूक्लियर लामिना भी उसको कह सकते हो, लामिन्स और न्यूक्लियर लामिना और लामिन प्रोटीन भी उसको बोल सकते हो, ठीक है। लामिन प्रोटीन भी ये हो सकता है और उसका नाम भी बोल सकते हो, नहीं तो आपका न्यूक्लियर लामिना ही बोल सकते हो, नहीं तो ये वाला क्या हो सकता है आपका, क्या सिंपली आपका लामिन भी होगा, ठीक है। अभी चलेंगे देखेंगे, ये वाला इतना ही था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो था इतना ही है। तो अभी देखेंगे थोड़ा डिटेल्स में, देखो क्या है एक्चुअली। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स सम पोर्स, ठीक है। तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन जो हुआ उसके पास कुछ पोर्स होते हैं, मतलब छोटा छोटा होल होता है आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन्स, दिस पोर्स आर कॉल्ड योर न्यूक्लियर पोर्स। मतलब यहीं से वीडियो शूटिंग हुआ था, खत्म हो गया था, लेकिन ये वाला मतलब क्या ये हो गया। देखो वो क्या कह रहा है, द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स सम स्मॉल पोर्स और होल्स एंड दिस स्मॉल पोर्स और होल्स आर कॉल्ड योर न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर ही उसको बोलते हैं। देखो क्या है एक्चुअली, सपोज दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर आउटर, और ये वाला क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, अगर ये वाला है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पर है, वो क्या कह रहा है, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स एंड दिस न्यूक्लियर पोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉन्टिन्यूस अप टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मतलब उसका ओरिजिन जो है आउटर मेम्ब्रेन में, उसका ओरिजिन है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वहीं पे वो खत्म होता है, इनर मेम्ब्रेन में ही, ठीक है। मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां से वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर ये वाला एक पोर है और एक होल है, मतलब ये वाला एक पैसेज बन गया, पैसेज, ठीक है। तो ये एक पैसेज बन गया, तो देखें एक्चुअली क्या है, उसका काम है और क्या करता है, ठीक है। ये वाला क्या हुआ, आपका न्यूक्लियर पोर, ठीक। अभी चलो देखेंगे न्यूक्लियर पोर के बारे में, वो क्या कह रहा है। देखो अभी मैं एक सेल का दो सेल ले रहा हूं, दो सेल, दोनों ही सेल में आपका न्यूक्लियस है, ठीक, दोनों ही सेल में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस है, ये वाला आपका न्यूक्लियस और ये वाला और एक न्यूक्लियस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इसके पास भी है और इसके पास भी है। अभी देखो सपोज दिस सेल, सपोज ए एंड दिस इज योर सेल बी, दिस सेल कंटेन्स और पजेसेस 303 न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो 303 न्यूक्लियर फोर्स इज प्रेजेंट इन योर सेल ए, बट इन केस ऑफ सेल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज अबाउट
15,000, ठीक है, वो डिफर करता है सेल टू सेल, बाद में आएगा ये। मतलब एक सेल में आपका क्या हुआ, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर कोर इज योर 303 एंड इन सेल बी अनदर सेल इट इज योर 15,000 न्यूक्लियर कोर्स आर प्रेजेंट इन अनदर सेल दैट इज योर सेल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फायदा होगा या लॉस होगा, थोड़ा सोचो तो, थोड़ा फायदा होगा या लॉस होगा। अगर हम लोग देखेंगे मतलब एक ही सेल में सपोज एक ही है आपका न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर एक, देखो उससे पहले ये वाला थोड़ा देखो, ये वाला है आपका सेल, ये वाला आपका न्यूक्लियस, ये हुआ क्या हुआ उसका साइटोप्लाज्म और ये हुआ क्या उसका न्यूक्लियस हो गया। सपोज दिस इज योर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर ये वाला हो गया आपका क्या न्यूक्लियर पोर। तो अभी थोड़ा सोचो ये जो न्यूक्लियर पोर जो है उसका काम क्या हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पोर एक पैसेज बन गया ना अभी, और एक पाथवे और एक वे बन गया, वो वाला अगर ये वाला एक वे बन गया और पैसेज बन गया तो वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो है ना, तो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, नहीं तो उसी रास्ते में कोई जा भी सकता है कोई आ भी सकता है, ये वाला होगा। मतलब यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या कह रहा है, द न्यूक्लियर पोर एक्ट एज, ठीक से देखना उसको, द न्यूक्लियर पोर एक्ट एज न्यूक्लियो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, ठीक है। न्यूक्लियर पोर जो है ये आपका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक के तरह काम करेगा इन बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब इन दोनों के बीच में, ये वाला हो गया आपके न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये जो न्यूक्लियर पोर जो है ये वाला क्या किस तरह का काम करेगा, आपके न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक के तरह काम करेगा बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब फंक्शन क्या होगा, दैट इज सौ मॉलिक्यूल्स में एंटर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सौ मॉलिक्यूल में एंटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, और सौ मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल आपका न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आ सकता है, और कुछ मॉलिक्यूल आपका साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जा सकता है, नहीं तो कुछ एक्सचेंज भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर ये वाला होगा तो ये वाला क्या होगा, ट्रैफिक की तरफ काम किया, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पोर नहीं होगा तो वो वाला आपका नहीं होगा, अगर न्यूक्लियर पोर नहीं है तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो वाला भी नहीं होगा। तो अभी देखेंगे न्यूक्लियर पोर जो होता है उसका नंबर के बाद ये थोड़ा देखेंगे डिस्कस करेंगे। अभी देखो न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पोर जो होता है वो क्या कहते हैं, द न्यूक्लियर पोर और द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब आप अगर एक सेल देखोगे, मतलब मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे सेल हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारे सेल मतलब कोई तो सेल, मतलब सभी सेल सबका मेटाबॉलिक रेट तो सेम नहीं होगा, किसी का कम होगा और किसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में बात कर रहा हूँ, कंपेयर किया किससे, आपका सेल टू सेल, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल एज वेल एज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं देखूंगा अभी एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट सेल और डिफरेंट सेल टाइप देखूंगा, तो अगर मेरे पास ब्रेन सेल है और स्किन सेल है, जो पिछला वाला जो एग्जांपल लिया था उसी को देखो, एक है क्या आपका ब्रेन सेल, सेकंड है क्या आपका स्किन सेल है, वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज मोर इन ब्रेन सेल एज कंपेयर टू दियर स्किन सेल, क्यों, एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, सेल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो उसके पास आपका न्यूक्लियर पोर जो है आपका वो भी ज़्यादा होगा,
क्यों? अगर ये वाला आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सेल में चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो कुछ प्रोडक्ट आपका ब्रेक होगा, ये होगा। अगर मतलब क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और प्रोडक्शन और प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टोर हो गया न्यूक्लियस के अंदर और आपके न्यूक्लियस के बाहर मीन साइटोप्लाज्म में, तो वो वाला क्या होगा, आइदर वो न्यूक्लियस को जाएगा नहीं तो न्यूक्लियस से वो बाहर आएगा कहीं पे भी हो, ये वाला होगा। तो उसी टाइम पे ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक की तरह काम करते कौन सा आपका न्यूक्लियर पोर, ठीक है अभी देखो, ठीक है। तो और सेल टू सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म वो वाला डिफर करेगा। तो ये वाला थोड़ा देखो, तो ये वाला सेल है और इसके पास है आपका, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसके बाद देखोगे, ठीक है। सपोज एक सेल के पास ओनली 3 आपका न्यूक्लियर पोर है, 3 न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और सेकेंड सेल जो है उसके पास है 15 न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस में। एक सेल में कितना है, 3 है, और सेकेंड सेल में आपका क्या 15 है। तो यहीं से थोड़ा सोचो कहाँ पर आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दैट द सेम सेल। मतलब उसी सेल का मेटाबॉलिक रेट कितना है और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है उसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर जो है वो वाला डिफर करेगा, ठीक है। अगर किसी के पास ज़्यादा है मतलब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, ये होगा, क्या होगा आपका न्यूक्लियर पोर ज्यादा होगा। अगर किसी के पास कम है तो वो वाला कम होगा, न्यूक्लियर पोर कम होगा। तो इन दोनों सेल में कहां पर ज्यादा होता है और कहां पर कम होता है, अगर हम देखेंगे ठीक से देखेंगे तो ये जो सेल बी जो है यहाँ पर अगर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो न्यूक्लियर पोर जो है वो वाला ज्यादा है, ठीक। यहाँ पर जो है सेल ए में यहाँ पर कितना है, न्यूक्लियर पोर 3 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 3 है। अगर इन दोनों को तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ज्यादा है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी और यहाँ पर आपका कम है, ठीक है। अगर ये वाला है तो ट्रांसपोर्टेशन किसने कहाँ पर ज्यादा होगा और किसका साइज बढ़ेगा, अभी याद करो साइज का बात कर रहा था, साइज सेफ था एक, साइज एक था, साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, द साइज ऑफ द सेल न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल उसी सेल में क्या क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है तो उसी का जो रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। जहां पर ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो वो वाला न्यूक्लियस होगा बड़ा होगा और जहां पर कम है वो छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाला सेल जो है यहाँ पर ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज मोर एज कम्पेयर टू दिस सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कम होगा और यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। और एक चीज देख लो आपका न्यूक्लियर पोर के बारे में, न्यूक्लियर पोर मतलब ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो, इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब क्या, इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियर पोर आप अगर देखोगे किसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप दिखे तो ये वाला आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाला क्या, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो जो साइंटिस्ट थे और जो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे वो क्या किए, न्यूक्लियर पोर को और एक नाम दे दिए, ठीक है। वो जो नाम था क्या था, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, NPC उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और एक चीज जो है आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मतलब उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखोगे, साइज वॉल्यूम कितना है आपका एक सेल में, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है और आपका साइटोप्लाज्म जो है उसका वॉल्यूम कितना है। जनरली क्या होता है उसका हम देखते हैं 4:1 रेशियो में न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म,
हाँ ठीक है, 4:1 रेशियो में N टू C न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का जो रेशियो हम देखते हैं क्या, 4:1 रेशियो इसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला बाद में आएगा, देखेंगे उसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, ये सब था आपका डिटेल्स अबाउट योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मतलब क्या, उसके बाद देखें, वीडियो को पॉज करूंगा अभी क्योंकि डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखेंगे अभी आपका डायग्राम देखेंगे और क्या क्या है उसमें वो वाला थोड़ा देखेंगे, और आपका जो और जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर लॉस हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियो क्रोमैटिन फाइबर जो है वो वाला भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर रहा हूँ।